नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थाना बाबूगढ़ पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में थाना हाफिजपुर से चोरी के अभियोग में वांछित 10,000 रूपए के पुरस्कार घोषित अपराधी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध असलहा और स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अमित उर्फ मोहित उर्फ दिल्ली बताया। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। कड़ी पुलिया की तरफ से दो बदमाश स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में इसमें एक बदमाश अमित उर्फ मोहन उर्फ दिल्ली घायल हुआ है तथा दूसरा बदमाश भागने में सफल हो गया। बदमाश जोगीपुरा हापुड़ देहात का रहने वाला है। इस पे 30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, बावरिया गिरोह से संबंधित है और हाफिजपुर थाने से वांछित चल रहा है। इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, 315 बोर, होका कारतूस व कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उपचारार्थ हॉस्पिटल भिजवाया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जो बावरिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वह इस पर जनपद गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद व हापुड़ में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के करीब 2.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।